Hello everyone, this is your second lecture for the short story The Adventures of Toto. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ग्रैंडफादर हैं और जो ऑथर हैं, ऑथर और उनके ग्रैंडफादर ने एक बेबी मंकी को अपने घर में लाया होगा और वो उसको एक रूम में बंद कर देते हैं. उसके बाद क्या होता है? A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. Means कुछ देर के बाद जब वो दोबारा से उसको टोटो को रिलीज करने आते हैं, जिस हुक के साथ उनको उसको टोटो को उन्होंने भांगा होता है, उससे वो उसको रिलीज करने के लिए आते हैं रूम में दोबारा से, तो वो क्या देखते हैं कि जो भी वॉल्स थी ऑर्नामेंटल पेपर के साथ जो भरी हुई थी. ऑर्नामेंटल पेपर मीन्स जैसे वॉल पेपर्स वगैरह लगाए होते हैं दीवार के ऊपर, तो वो सब निकल चुके हुए थे. सिर्फ ब्रिक्स और जो प्लास्टर था वो भी पूरा खराब कर दिया हुआ था उस टोटो ने. वो पूरी की पूरी दीवार ही खराब कर दी हुई थी. द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स. रेंच्ड मीन्स किसी चीज को घुमा घुमा के निकाल देना. मीन्स जो पैग था, पैग मीन्स जो हुक थी वॉल पे लगाई हुई जिसके साथ टोटो को बांधा हुआ था, वो वहां से भी उसने निकाल दी हुई थी. और उसका जो स्कूल ब्लेजर था, राइटर का जो स्कूल ब्लेजर था जो वहां पे टांगा होता था, वॉज इन श्रेड्स. श्रेड्स मीन्स पतले पतले धागों में उसको बिल्कुल नोच के, मीन्स बिल्कुल खराब कर देना, वो भी बिल्कुल उसने खराब कर दिया हुआ था. आई वॉन्डर्ड What grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. तो राइटर बोलते हैं कि मुझे डर भी लगा कि ग्रैंडमा क्या सोचेगी इसके बारे में, क्या बोलेगी ये सब देख के कि ये क्या गड़बड़ी करती है पूरे रूम में. लेकिन जो ग्रैंडफादर थे उनको बिल्कुल भी इस चीज की चिंता नहीं थी और वो बिल्कुल आराम से थे, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ उनको टोटो की इस परफॉर्मेंस से. He is clever, said grandfather. ये चालाक है, ऐसा ग्रैंडफादर ने कहा. गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो. और ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ये चालाक है और अगर इसको टाइम दिया जाए तो ये जितना भी तुम्हारा ब्लेजर है उसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में एक रोप की तरह उसको धागे, बिल्कुल एक एक धागा उसका अलग कर देगा और ये मुझे पता है कि ये भाग भी जाएगा विंडो से, ये भाग भी सकता है, इतना क्लेवर है, इतना चालाक है. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट. लेकिन उसकी प्रेजेंस, टोटो की प्रेजेंस हाउस में अभी भी सीक्रेट थी ग्रैंडमदर से. टोटो वॉज नॉट ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशिएबली टूगेदर. अ टॉर्टॉइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल एंड फॉर अ व्हाइल माय पेट गोट. अब जो टोटो था उसको ट्रांसफर कर दिया जब रूम से उसने सारी गड़बड़ी कर दी, फिर उसके बाद उसको एक बड़े केज में, बड़े से पिंजरे में उसको ट्रांसफर कर दिया जहां पे ग्रैंडफादर के बाकी भी जो पेट थे, जो भी उन्होंने जानवर और भी रखे हुए थे उसके साथ, उनके साथ उसको भी रख दिया. जहां पे कौन कौन था, एक टॉर्टाइस था, स्क्वेरल थी, रैबिट्स थे और थोड़ी देर के लिए जो राइटर है उनकी गोट भी रखी हुई थी वहां पे. But the monkey would not allow any of his companions to sleep at night. लेकिन जो monkey था, टोटो था, उसने किसी भी जानवर को वो सोने नहीं देता था रात में. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो इसलिए grandfather, जिनको देहरादून छोड़ के सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं टोटो को भी अपने साथ लेके जाऊंगा क्योंकि ये बाकी के जानवरों को हमेशा तंग करता रहेगा. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany grandfather ऑन दैट ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट इट afterwards. मीन्स मैं उन राइटर बोलते हैं कि मैं ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पे नहीं जा पाया सहारनपुर के ट्रिप पे जब पेंशन लेने जाना था उनको, तो लेकिन उन्होंने मुझे पूरी ट्रिप के बारे में उसके बाद बताया जब वो वापस आए, उन्होंने मुझे पूरा कहानी सुनाई उसकी. अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. मीन्स एक बड़ा सा किट बैग ब्लैक कलर का टोटो के लिए
लिया गया जिसके अंदर टोटो को डाला गया. दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोड. मीन्स इस बैग में छोटी मीन्स वो थी स्ट्रॉज थी उसके सबसे नीचे और वो इसके लिए टोटो के लिए रखी गई. वन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो एस्केप. और जब बैग को क्लोज कर दिया तो वहां से कहीं भी भागने का रास्ता नहीं था बैग में से. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. और टोटो अपना हाथ भी नहीं निकाल सकता था कहीं भी ओपनिंग में से अपना हाथ तक नहीं निकाल सकता था. और जो कैनवस था जो बैग था वो इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि टोटो उसको काट भी नहीं सकता था. मीन्स उसको फाड़ ही नहीं सकता था वो. हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर एंड ओकेजनली जम्प इन टू द एयर एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म. और जितना भी वो एफर्ट लगाता था बाहर निकलने के लिए बैग से वो बाहर क्यों नहीं निकल सकता था. हर बार क्या होता था यहाँ को बैग रोल होके फ्लोर पे रोल होता जाता था या फिर वो ओकेजनली जंप करता था. जैसे जैसे टोटो उसके अंदर जंप करेगा वो बैग भी उछलेगा उसके साथ साथ. तो वो एक एग्जीबिशन की तरह लग गया. इतना क्राउड वहां पे इकट्ठा हो गया लोगों का देखने के लिए कि प्लेटफॉर्म देहरादून प्लेटफॉर्म पे एक क्राउड इकट्ठा हो गया वो सब देखने के लिए टोटो की परफॉर्मेंस को देखने के लिए. टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर बट वाइल्ड ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल टोटो टर्न्ड पोक्ड. टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन. उसके बाद क्या हुआ टोटो उसी बैग में रहा सहारनपुर का. लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर टिकट बनाने के लिए गए रेलवे टर्नस्टाइल पे. रेलवे टर्नस्टाइल मीन्स कि जिस तरह से हम पार्क्स वगैरह में भी जाते हैं कि वहां गेट लगा होता है जहां से वो मूविंग गेट होता है कि मीन्स एक टाइम पे सिर्फ एक ही पर्सन उसके थ्रू एंटर कर सकता है. वहां पे हॉरिजॉन्टल में रॉड्स लगी होती हैं या प्लेट्स लगी होती हैं उस तरह का. तो जब वहां पे ग्रैंडफादर जो थे वो टिकट बनाने के लिए गए तो टोटो एकदम से अपना सिर उसने बाहर निकाला बैग में से और टिकट कलेक्टर को जो टिकट कलेक्टर था उसको एक अजीब सी लुक दे दी. उसने अजीब सी स्माइल दी. द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सेड सर यू हैव अ डॉग विद यू यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. और पुअर मैन जो था पुअर मैन किसको बोला गया है यहाँ पे टिकट कलेक्टर को. कि जैसे ही उसने टोटो को देखा वो थोड़ा सा पीछे हो गया. उसको मीन्स अजीब सा शॉक लगा और थोड़ा सा पीछे हो गया वो क्योंकि एकदम से टोटो ने अपना सिर बाहर निकाला. और उसने क्या बोला ग्रैंडफादर को देखते हुए फिर क्या बोला कि सर आप अपने साथ एक डॉग को कैरी कर रहे हो तो आपको उसके लिए भी पे करना पड़ेगा उसके लिए भी टिकट खरीदनी पड़ेगी. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ क्वाड्रप्ट. टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 rupees वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर. लेकिन मीन्स ग्रैंडफादर ने अजीब सा लुक दिया और सोचा कि टोटो जो है कि उसको एक डॉग के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं. ये वो तो एक डॉग थोड़े ना कि मीन्स कोई भी ऐसे चार मीन्स क्वाड्रप्ट मीन्स चार पैरों वाला कोई भी जानवर मीन्स कोई भी जानवर हो कि जिसके चार पैर हो जरूरी थोड़े ना वो डॉग ही. लेकिन टिकट कलेक्टर ने टोटो को एज अ डॉग ही क्लासीफाई किया और उसका 3 rupees का टिकट उसका बनाना पड़ा. तो ग्रैंडफादर को 3 rupees का टिकट टोटो के लिए भी खरीदना पड़ा. Then grandfather just to get his own back took from his pocket our pet tortoise and said what must I pay for this since you charge for all animals. उसके बाद grandfather ने क्या किया उन्होंने टिकट खरीद ली उसके लिए टोटो के लिए. उसके बाद अपनी पॉकेट से एक टॉर्टाइज निकाला जो अपने साथ वो कैरी कर रहे थे. उन्होंने उस टॉर्टाइज को निकाला और टिकट कलेक्टर से पूछा कि अब इसकी कितनी टिकट लगेगी क्योंकि तुम सारे जानवरों का अगर तुम चार्ज कर रहे हो टिकट तो इसकी कितनी टिकट लगेगी. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टाइज प्रोडेड इट विद हिज फोर फिंगर गिव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक एंड सेड नो चार्ज इट इज नॉट अ डॉग. और टिकट कलेक्टर ने क्या किया उस टॉर्टाइज को देखा पास से
और प्रोडिड इट मीन्स उसको सहलाना, एक फिंगर से उसको पुश करना, सहलाना, वैसा किया उसने। और उसको बोला आराम से स्माइल पास की ग्रैंडफादर को, और उनको बोला कि नहीं सर, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ये कोई डॉग नहीं है। वन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। इसके बाद क्या बोला है कि जब ग्रैंड मदर ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया, कि फैमिली में एक्सेप्ट कर लिया उसको, कि बीच की कहानी नहीं बताई है इस स्टोरी में कि कैसे एक्सेप्ट किया, क्यों एक्सेप्ट किया, लेकिन डायरेक्टली बताया कि ग्रैंड मदर ने जैसे उसको एक्सेप्ट कर लिया घर में, तो उसको एक कंफर्टेबल होम दिया गया स्टेबल में। स्टेबल मीन्स अस्तबल, जहाँ घोड़े वगैरह रखे जाते हैं। तो वहां पे उसको अपना कंपेनियन क्या मिल गया, एक डोंकी मिल गया जिसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। तो जिस जो पहली रात थी उसकी टोटो की उस स्टेबल में, तो ग्रैंडफादर उसको देखने के लिए गए कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है। लेकिन उसने क्या चीज देखी ग्रैंडफादर ने, कि जो नाना है वो अपने अपेरेंट कॉज में नहीं है। मींस अपेरेंट, जैसे वो अपेरेंटली होता है वहां पे, जैसे वो आराम से रहता है, वो वैसा नहीं है वहां। और जो मंकी है वो उसका हाल्टर, हाल्टर मींस जो गले में रस्सी डाली होती है किसी भी जानवर को डायरेक्शन देने के लिए, घोड़ों को डायरेक्शन देने के लिए जो रस्सी डाली होती है, जो टोटो था वो उसकी रस्सी खींच रहा था, और उसको बंडल ऑफ हे मींस भूसा, जो जानवर खाते हैं, घोड़े वगैरह खाते हैं, वो उससे उस डोंकी को, नाना को वहां तक नहीं पहुंचने दे रहा था टोटो। वो उसको वहां से खींच रहा था, मीन्स उसको तंग कर रहा था वहां पर।